हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अगेन आपकी इस कंटिन्यूएशन सीरीज पे, जो कि हम कंटिन्यूअस फंक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, आज हम एक नई प्रॉपर्टी के साथ हैं। एक्चुअली पिछली लेक्चर में हमने सीखा था कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन अगर आप क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे डिफाइंड करें तो बाउंडेड होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है कि दैट बाउंडेड होने के साथ साथ अपनी बाउंड्स को अटेन करता है या अज्यूम करता है, उनको लेता है। सो दिस इज द थिंग, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड और क्लोज इंटरवल भी अटेन्स इट्स बाउंड इन द सेंस कि सपोज लेट अगर आप कर लेते हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंटिन्यूअस फंक्शन की, उसके हिसाब से बाउंडेड तो होना चाहिए, दैट वी नो। लेकिन एक बाउंडेड फंक्शन अपनी बाउंड्स को अटेन करता है या नहीं करता, ये कन्फर्म नहीं होता। सो बाउंडेड तो है ही, हमें श्योर है, लेकिन अपनी बाउंड्स को अटेन करेगा कि नहीं करेगा। तो इफ लेट एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सो एफ इज बाउंडेड है, हमें इतना श्योर है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट यू बी द एलयूवी ऑफ एफ ऑन दिस, राइट, एंड एल बी द जीएलवी ऑफ एफ ऑन दिस, राइट। तो हमारा काम क्या है, अटेन करवाने का मतलब हमारा जो टास्क है, जो हमारा क्लेम है, तो ये है दैट मींस देयर एग्जिस्ट सम अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा एंड बीटा फॉर्म इंटरवल सच दैट एफ ऑफ अल्फा शुड इक्वल टू योर एल एंड एफ ऑफ बीटा शुड इक्वल टू योर यू। मतलब कोई भी अल्फा बीटा इंटरवल में से एग्जिस्ट करने चाहिए ऐसे एलिमेंट कि एफ ऑफ अल्फा एल के बराबर हो जाए, इसी को अटेनमेंट कहते हैं। अटेन कर लिया इसने अपना बाउंड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये उसके इक्वल हो गया, अपने जो भी इसकी लीस्ट अपर बाउंड थी उसके, और किसी पॉइंट पे अपनी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के भी इक्वल हो गया। लेट इफ नॉट, मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें एग्जिस्टेंस शो कर रही थी, और हम एग्जिस्टेंस का अगर निगेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम नॉट बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं ये क्वांटिफायर्स होते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, तो उसका निगेशन करेंगे तो आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा, दैट मीन्स यू विल बी सेइंग इफ नॉट देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू से एल, कुछ भी बोल सकते हो, एल लगा लो या यू लगा लो, दोनों यू ले लेते हैं, यही बात है, आप दोनों को कर सकते हो। तो मैं लिस्ट अपर बाउंड के लिए क्लेम कर रही हूँ, सेम लाइन्स पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए भी क्लेम हो जाएगा, फॉर एवरी एक्स इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो ये नॉट हो गया और ये फॉर एवरी हो गया, फॉर ऑल, ये यूनिवर्सल हो गया और ये निगेशन हो गया इस स्टेटमेंट का, दैट मीन्स ये इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर इस एल को अटेन नहीं, यू को अटेन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। अगर ये कभी इसके इक्वल नहीं आएगा तो एफ एक्स माइनस यू माइनस एफ एक्स आपका कभी भी जीरो नहीं होगा फॉर एवरी एक्स इन दिस इंटरवल, राइट। If I consider this u minus fx, because it is never equal to zero, right? So आपके पास fx function continuous given है, u तो एक constant ही है, तो ऐसे बोल ये function आपका constant ही होगा, और 1 minus u of fx is continuous, right? तो क्योंकि ये कभी zero नहीं है, that means function is always defined, right? And defined है और continuous है closed interval ab पर, तो हमारा प्रीवियस रिजल्ट कहता है ये बाउंडेड होगा, इट हैज टू बी बाउंडेड, सो दैट मींस 1 अपॉन u माइनस f शुड बी लेस देन इक्वल टू सम k, राइट। और ये मॉडुलस में नहीं लगाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने u माइनस f लिखा है, u लीस्ट अपर बाउंड है, तो सारी फंक्शनल वैल्यू उससे छोटी ही रहेगी, राइट। सो ये फॉर एवरी x चल रहा है, सो और यू में से u माइनस f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन k, दिस 1 अपॉन k से आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू यू माइनस वन अपॉन के। तो आप देखिए ये फॉर एवरी एक्स आ रहा है, ये फॉर एवरी एक्स चलता आ रहा है, तो आप जानते हैं ये रिजल्ट लीस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी होती है, कि अगर यू आपका लीस्ट अपर बाउंड है और अगर आप बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन भी लेते हो, तो यू माइनस एप्सिलॉन इज नॉट इवन एन अपर बाउंड, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है u माइनस वन अपॉन के टाइप का एलिमेंट आ रहा है और ये अपर बाउंड की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये आपके पास ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, ओके, बिकॉज दिस कैन नॉट बी एन अपर बाउंड u माइनस वन अपॉन के,
और ये कॉन्ट्रडिक्शन कब आई, जब हमने कहा कि हमारा फंक्शन अपने बाउंड्स को अटेंड नहीं कर रहा है फॉर एवरी एक्स, दैट मीन्स हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, तो किसी ना किसी एक पॉइंट पर ही अपने बाउंड्स को अटेंड करेगा। तो हमने अब ये सीख लिया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल पे, तो एक तो ये बाउंडेड होगा और दूसरी बात कि अपने बाउंड्स को अटेन भी करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कंटिन्यूअस फंक्शंस की, और वीडियो लेक्चर्स में हम और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते जाएंगे और अल्टीमेटली हम इन सबको क्लब कर देंगे और हम फिर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट कि कैसे आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल लास्ट पार्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।